नमस्कार दोस्तों, हमारे पास मंत्रा एंड मोरपो डिवाइस और हमारे पास एक मोबाइल है जिसमें इरर मार रहा रूट। क्या मार रहा मैं आपको दिखाऊं, और मंत्रा की मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं तो यहां पे जैसे मंत्रा मैं जो है ओपन करते हैं तो चेकिंग फॉर रूट डिवाइस स्टेटस में कितना यहां पे रहता है सेफ्टी नॉट फेल और रूट डिवाइस ऐसा करके इरर मार रहा। और मोरपो का अगर हम चेक करें फिंगरप्रिंट डिवाइस लगाने के बाद तो यहां मार रहा योर डिवाइस डज नॉट मीट मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। तो ऐसे फोन जिसमें रूट इरर मार रहा, रूट ना होने पे देखिए फैल जा रहा, हमारा काम ही नहीं करेगा ना, हम एपीएस काम कर पाएंगे ना, फोन पे चला पाएंगे ना, गूगल पे या ना ही कोई यूपीआई ऐप। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे रूट हैंडसेट या इरर मारा रूट हैंडसेट में आप मोरपो मंत्रा एपीएस से काम कर सकते हो, फोन पे गूगल पे जो यूपीआई एप्लीकेशन को यूज किस प्रकार से कर। अगर आपको ये इशू आ रही है तो वीडियो को एंड तक में रहिए, आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा। देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो इसका इशू बताया जा रहा है, तो भैया ऐसे इशू का आपके पास दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन जो है सबसे महंगा सॉल्यूशन है, वो आपको मोबाइल फोन बदल लेना है, आपका उस मोबाइल में वर्क नहीं करेगा। दूसरा, आपके पास दूसरा फोन का ऑप्शन है, वही फोन चलाना है तो फोन को रूट देकर आपको किसी भी तरह से अपने फोन को रूट कर लेना है, चाहे आप पीसी की मदद से करो, किसी यूट्यूब वीडियो को देख कर करो, या फिर आप जैसे भी करो अपने फोन को रूट करो। अगर फोन रूट कर लेते हो आप, उसके बाद का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो मैं करूंगा फॉलो करते चल जाइएगा। रूट के बारे में छोटा सा हिंट दे दो, रूट करने के कई तरीके, किंग रूट एप्लीकेशन से भी होता है, TWRP फ्लश करके भी होता है, कंप्यूटर से आई रूट नाम से एप्लीकेशन है उससे भी होता है, डिपेंड करता है आपका मोबाइल। YouTube पे वीडियो देख लेना किस रूट से सक्सेसफुल रूट हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप जो जो फॉलो कैसे जैसे किया जाता है वैसे करके रूट कर ले अपने फोन। भाई लोग फाइनली हमने बहुत मुश्किल करके अपने फोन को रूट कर दिया YouTube पे वीडियो वगैरह देखकर अलग अलग। अब यहाँ पे हम चेक कैसे कर हमारा फोन रूट हुआ है, तो यहाँ पे एक देख सकते हैं रूट चेकर नाम से एक एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से गूगल से भी आप एपीके लिख के सर्च करके डाउनलोड कर लें अपने फोन में, रूट के हुआ है या नहीं वो श्योर करें। यहाँ पे वेरीफाई रूट स्टेटस पर आप क्लिक करोगे, मैं इसे पोर्ट्रेट मोड कर दूं तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ दिख जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन रूट एक्सेसरी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड दिस डिवाइस। अब रूट हो गया आपके फिर अब क्या करें, देखो एक मैजिक मैनेजर नाम से एप्लीकेशन होती है, मैजिस्टिक बुल्स को बोलते हैं, वो आपको फोन में इंस्टॉल करना होगा। मैं उसका लिस्टिंग लिंक नहीं दूंगा, मैजिक वगैरह आप गूगल सर्च करना, क्या करना है वो देख लीजिए। इससे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखा था इसी इशू के ऊपर, ये न्यू मैंने वीडियो फिर से लाइव करके दिखा उसके लिए आपको मैं बताया हूं। अब यहां पे देख लो वो एप्लीकेशन मैजिक मैनेजर, आप देख लो इस पर आपको नया वर्जन थोड़ा इसका लुक वगैरह चेंज देखने मिले। अब इस पर क्लिक करना है आपको, आप ख्याल रखें नेट से कनेक्ट होना चाहिए। अब यहां पे देखो मैजिक्स अपडेट अवेलेबल, इसे अपडेट करें और मैजिक मैनेजर अपडेट अवेलेबल दोनों अलग अलग, यहाँ पे अपडेट क्लिक करेंगे आप एंड यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल इसे कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला इंस्टॉल हो गया है, अब इसे हम डन कर लेंगे एंड यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन अपडेट हो गया है यानी लेटेस्ट वर्जन के साथ, अब फिर से इसे ओपन करेंगे एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे आप देखो इस पर व्हाइट वाला है, अब नीचे एक ऐप अपडेट है इसे भी हम अपडेट कर लेंगे, अपडेट अलाउ करेंगे एंड जो जो परमिशन मांगा जाए उसे करके यहाँ पे वेट कर लेंगे, हमारा अपडेट हो रहा है इंस्टॉलिंग वगैरह का यहाँ पे मांगा जा रहा है, दोनों को हम अपडेट कर लेंगे। अब देखो जब इंस्टॉल हो जाएगा ना आप फिर से ऊपर वाले के ऊपर नो ए बी के इस पर इंस्टॉल पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे इस पर टिक कर दें 2.0 वेरीफाई पे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट एंड पैच फाइल और डायरेक्ट इंस्टॉल रिकमेंड क्लिक करें और लेस्ट गो पे हम कर देंगे। और यहाँ पे कुछ हमारा कमांड की तरह यहाँ पे होना लगेगा, आप इसके लिए वेट कर लेंगे। होने के बाद यहाँ पे एक रिबूट का ऑप्शन आपको नीचे शो करेगा, आप रिबूट कर लें और फोन आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। अब देखो हमने दोबारा से कई फोन पूरा हमारा फॉर्मेट हो गया है, तो हम मंत्रा एंड मोरपो दोनों के एप्लीकेशन को इंस्टॉल यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपके फोन पे गूगल पे वगैरह का इशू आ रहा है तो वही मैं करके दिखा दूंगा कि रूट फोन में गूगल पे फोन पे कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हमने मंत्रा का जो आरडीएस इंस्टॉल कर लिया, ओपन करते थे उसमें ओपन करते थे इरर मार रहा था, अभी हम इसको अलाउ करते हैं अलाउ करते हैं अलाउ करते हैं। मेरा ये मंत्रा डिवाइस पीछे रखा हुआ खराब है, यहाँ पे रूटिंग चेकिंग रूट डिवाइस स्टेटस प्लीज वेट, और यहाँ देखिए कुछ नहीं इरर मारा आ गया, मैं डिवाइस कर रहा हूँ लेकिन मेरा डिवाइस यहाँ प्लग इन करके दिखाते हैं, मैं मंत्रा मोरपो दोनों दिखाऊंगा। तो हमने कनेक्ट किया, पॉपअप आ गया, अलाउ किया, सब कुछ ग्रीन हो गया है, रिक्वेस्टिंग फॉर प्लीज वेट एंड क्लिक करते तो वहाँ देखो लाइट हमारा ब्लिंक कर गया है मंत्रा के ऊपर। ये मेरा मोबाइल का इशू आ रहा है मंत्रा की फिंगर कैप्चर ले नहीं रहा है, तो अभी हम बाय द वे इसको अलग करते हैं, हमारा मंत्रा और सक्सेस वर्क कर गया, इसे हटाते हैं हम
और चलते हैं अपने मोर्फो डिवाइस के ऊपर। मोर्फो एसएलसी सर्विस हमने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे, और इसे ओपन करते हैं और अपना मोर्फो डिवाइस को इंक्लूड करके देखते हैं। अब देखो हमारा मोर्फो में तो यहाँ पे एरर मार दिया। मोर्फो क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है योर स्मार्टफोन डू नॉट मीट मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। अब हम क्या करेंगे, मैजिस्टिक जो है ये हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे नीचे ना आपके सामने चार पांच लाइन मिल रहे हैं, इसका होम के बगल जस्ट इस पे क्लिक करेंगे बगल लाइन पे, एंड टॉप पे देखेंगे मैजिक हाइड करके क्लिक करेंगे ऊपर वाले टॉप पर। जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन जिसको हाइड करना। अब देखो जिसको फोन पे गूगल पे चलाना रूट मार रहा उनके लिए भी यही सॉल्यूशन है कि वो नॉर्मली फोन पे गूगल पे को यूज कर सकते हैं। अब क्या करें, नीचे आएंगे और जैसे मोर्फो में इस वाला मोर्फो पर टिक लगा देंगे एंड बस हो गया। और हम यहाँ से एक बार बैक कर लेंगे, हमारा टिक देखो टॉप पे आ गया, हम फिर बैक करेंगे एंड मोर्फो एसएलसी सर्विस को दोबारा से हम ओपन करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं। हमारे यहाँ देखो अलाउ का ऑप्शन आ गया, अलाउ करते अगर तो यहाँ पे सब कुछ आ गया। अब हम चेक करेंगे डिवाइस को लगा कर, डिवाइस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ डिवाइस सामने रख दिया है और हमारा जो है ये रूटेड फोन इधर मारा था, हम इसने फाइनली रूट ही कर दिया। और हम क्लिक करते हैं मोर्फो को एंड यहाँ पे पॉपअप आया ओके, और यहाँ पे रजिस्टर्ड डिवाइस हमारा ले रहा है। हमारा तो उस समय इतना भी नहीं आता, और यहाँ सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लिया है, फिर दोबारा से रजिस्टरिंग डिवाइस पे मेरा प्रोसेस चला गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस रेडी टू यूज, मतलब हमारा फोन रूटेड मार रहा था, काम नहीं कर रहा था, कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस, हमारी फोन बदलने की नौबत आ गई थी। और अब हम उसी फोन को नॉर्मली मोर्फो या मंत्रा फोन पे गूगल पे रूट दिखा रहा है, रूट किया हुआ फोन है, इजिली यूज कर सकते हैं। तो ये सा ट्रिक स्टेबल्स, बस आपको दिक्कत आएगी रूट करने अपने फोन को उससे पहले और उसकी बात की जो भी इश्यूज है मेरे वीडियो देख के आप कंप्लीटली जो भी आपकी इश्यूज है उससे कंप्लीट ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। अगर आपकी स्क्रीन इश्यूज है मैं इससे पहले एक और वीडियो बना रखा उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना। ये फ्रेशली बहुत लोगों को मैजिस्टिक में दिक्कत आ रही है क्या करना है क्या नहीं करना, अपडेट बदलना ये वो, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो फिर से ला दिया हूँ। अगर आप फोन का इशू आ रहा है रूट कर लो फोन कैसे भी यूट्यूब वगैरह देख करके रूट करें, प्रोसेस बहुत लंबा छोड़ा है मैं बताऊंगा नहीं, और काफी डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा एंड रिस्की भी है, आप उसे कर सकते हो। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद है, वीडियो का कुछ भी नया सीखने को मिला, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो का आपका हेल्प हुआ, आपके इशू रिजॉल्व हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। वीडियो में आपकी राय, अभी कोई प्रॉब्लम बनी हुई है तो हमारे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हमारे चैनल नए पहली बार आए हो ऐसे नॉलेज में एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी वीडियो पानी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे दबा दे। मिलते हैं और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।